सो वेलकम गाइस, आज फिर हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। तो आज सीखेंगे हम गियरबॉक्स कैसे फिट किया जाता है। तो भाई सबसे पहले तो जो मेन शाफ्ट की बेयरिंग है उसको लगा ले और इसको हल्के हल्के से ठोक ले। तो भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना, क्योंकि आप वीडियो देखने के चक्कर में भूल जाएंगे। तो इस तरीके से इसको लगा ले, बेयरिंग को ठोक ले और ये जो लॉक है इसको इस तरीके से लगा ले अंदर। ये लग गया, इसको चेक कर ले, थोड़ा सा बिल्कुल सही बैठा हुआ है। अब इसको थोड़ा पलटा लेंगे और पलटाने के बाद जो हमारा ये मेन शाफ्ट इस तरीके से यहाँ लगाएंगे, जो हमने बेयरिंग बिठाई उस साइड में, है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये जो न्यूट्रल बेयरिंग है इसमें हम काउंटर गियर लगाएंगे और जो हमारा ये मेन शाफ्ट है जो इसमें गियर चक्रिया सब बैठती है इसमें, वो लगाएंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे थोड़ा थोड़ा ठोक ले हल्के हल्के से। अब इसको घुमा के चेक कर ले थोड़ा सा सही चल रही है या नहीं। तो भाई ये बिल्कुल सही चल रहे हैं, है ना। अब इसको पलटा ले थोड़ा सा हल्के से और जो हमारे इस साइड में ये जो दिख रहा है आपको ये छोटा सा लॉक, ये यहाँ पर लगेगा अंदर। हल्के से इसको थोड़ा सा ऐसा लगा ले इस तरीके से, देखिए ये लग गया हमारा लॉक, है ना। अब इसको फिर पलटा ले इस तरीके से। अब इसके अंदर जो सीम आता है बड़ा वाला, ऊपर के साइड में नीचे के साइड में दोनों सीम सेम आते हैं, तो इस तरीके से ये सीम पहले बिठा ले इसमें, है ना। ये देखिए इस तरीके से, आपको डबल डबल बता रहे हैं इस तरीके से। अब ये सीम बैठ गया हमारा। फिर इसके अंदर जो हमारी ये चौकड़ी है गियर की, इसको समझ लो गियर चौकड़ी, स्टार स्टेम कोई अलग अलग तरीके से बोलता है इसको, तो इस तरीके से इसको अंदर फंसा ले। इसके ऊपर जो इसका ये देखो, इसको इस तरीके से कस ले इसको अंदर। जो कुछ भी अपने पास होगा, पाना लगा लो, कुछ इसके स्क्रू चाबी लगा लो, कुछ भी लगा लो पेचकस, तो भाई इस तरीके से इसको अंदर अटका ले, है ना। और भाई इसका खोलने का पोजीशन और फिट करने का पोजीशन सब उल्टा है। तो भाई जो हम नट बोल्ट खोलते हैं उस तरीके से नहीं खोलता है ये, जिस साइड में खुलने की पोजीशन होती है उसी साइड से उसको उल्टा घुमाना है, इसको अलग तरीके से खुलता है ये। जो हम राइट में घुमाते हैं तो नट बोल्ट खुलता है, तो इसको राइट में नहीं घुमाना है भाई, इसको लेफ्ट में घुमाना है। और जब हमें बिठाने की पोजीशन होती है तो इसको राइट में घुमाना होता है, समझ गए होंगे आप। तो भाई ये हमारा गियर चेंजर एकदम सही तरीके से बैठ चुका है। अब इसको हम लगाएंगे गियर, है ना। तो ये गियर भी एकदम बिल्कुल सेम पोजीशन में रखें जो हमारे मेन शाफ्ट के चार होल है और जो हमारे गियर के चार होल आते हैं अंदर चक्री के अंदर, तो उनको सेम मिलाए, है ना। तो भाई इसी तरीके से एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक, मतलब ये चक्रिया पे चक्री रखते जाना है आपको। इसमें कुछ भी ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई इसमें तो चार खाचे दिख ही रखे हैं और जो हमारा मेन शाफ्ट है इसमें भी चार खाचे हैं। तो भाई जिस पोजीशन में जो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल न्यूट्रल के पोजीशन में रखना है आपको, इस तरीके से, है ना। अब देखिए, तो भाई इसमें कुछ भी जरा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो कोई कोई लोग है ना बहुत
अलग तरीके से बिताते हैं, इसको ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, पर हम बिल्कुल जो हकीकत है वही बताएंगे आपको। इस तरीके से इसको भी बिठा लें और इसके ऊपर जो हमने नीचे की साइड में बिठाई थी उसी टाइप में जो सिम आता है वही सिम ऊपर भी लगेगा इसके, ये वाला है ना। इस तरीके से इसको अंदर रख लें। अब इसके ऊपर जो लॉक आएगा, ये दो इस तरीके का लॉक, तो भाई इसको जो लॉक पेंचेस आती है हमारी उसके मदद से इसको लॉक कर ले, है ना। और थोड़ा सा इसको चेक भी कर ले कि भाई सही बैठा है या नहीं, ऐसा घुमा के देख ले तो ये बिल्कुल बैठ गया है ना, ऐसा चेक कर ले। अब बारी आती है हमारी पैकिंग की, तो भाई पैकिंग चिपकाने से पहले तो हम आपको बताएंगे कि इसके जो ऊपर कवर आता है इसमें बेरिंग कैसे बिठाएंगे। तो भाई इसमें पहले तो बेरिंग तो कुछ बिठाना नहीं है आपको, सबसे पहले ये जो साइड में है ये नीडल बेरिंग, इसको बिठा लें इस तरीके से। खान लगी हुई यार इस तरह, तो इस तरीके से इसको बिठा लें। कुछ भी इस पे रख के या कुछ भी ऐसा सिस्टम अपने पास तो होता है संभल या कुछ भी, तो भाई हमारे पास तो बहुत चीज़ें हैं पर काम में भी जो, तो हम इस आइडल गियर को ही रख के ठोक देंगे, है ना। तो भाई ये बिल्कुल सही तरीके से बैठ गई है बेरिंग। तो भाई ये जो दूसरा बेरिंग दिख रहा है साइड में वो हम इसके ऊपर फिट करने के बाद ये करेंगे। अभी तो हम पहले ये जो पैकिंग है इसके वो लगा लेंगे, इसको अच्छे तरीके से एनाबोन टूप लगा ले, राजीव बोन लगा लो, कुछ भी लगा लो भाई, पर इसको अच्छे तरीके से लगा लो, क्योंकि भाई ये जो अच्छे से चिपकेगा तभी गेयरबॉक्स में जो लीकेज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। भाई ये हमारा अच्छे तरीके से एनाबोन लॉक लग चुका है ना। ये पूरा अच्छे तरीके से लग गया है। अब इसको इस तरीके से अंदर डाल दें और जो इसके ऊपर कवर आएगा उसको इस तरीके से हल्के से धीरे से इसको लगा लें इस तरीके से। ये लग गया हमारा कवर, है ना भाई। इसको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, आसान से कर सकते हो आप घर पर ही, क्योंकि बहुत से ऐसे रिक्शा वाले होते हैं भाई कोई दूर चले जाते हैं और वहाँ पे मैकेनिक नहीं आता है, तो भाई ये तो जरा से टूल की मदद से खुल जाएगा। ये इस तरीके से ये नट बोल्ट लगा ले, है ना। अब ये जो अंदर काउंटर गियर की जो बेरिंग होती है हमारी उसको लगा लेना आप इस तरीके से, नट बोल्ट तो कस लो पहले, टाइट कर लो। और भाई इसको खोलने के लिए ज़्यादा टूल की ज़रूरत नहीं होगी, एक 12-13 का रिंग ले लेना एक, और एक 12-13 का पट्टी, इसी सिस्टम से पूरा खुल जाएगा। ये दो पेंचेस लगेगी उल्टी उल्टी लॉक के सीधे लॉक के, है ना। और इसमें कहीं चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, एक हथौड़ी और पेचकस, तो भाई इतना तो होता ही है हमारे पास, है ना। तो भाई इतने पाने से खुल जाएगा ये, बाहर कर लोगे आप तो घर पर ही खोल लेना इसको, और बिना हिचकिचाए अगर आपको ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। अब ये हमारा काउंटर गियर का बेरिंग, तो इसको इस तरीके से थोड़ा हल्के से ठोक लें। भाई हम अलग अलग साधनों से क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि भाई हमारे पास जो टूल होते ही नहीं है, तो कुछ भी हमारे पास जो टाइमिंग होती है कुछ भी इस तरीके से ठोक लेना, ना कि इस पर कुछ भी रखे, है ना।
तो मेन जो चीज हमारे संभल न ये होते हैं उसी से ठोकना, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इसको है ना इस तरीके से कुछ भी चीज हाथ में लेकर आप इसको ठोक सकते हो। तो फिलहाल हमारे पास तो ये गोटी थी पर हम है ना इसको इसलिए नहीं ठोक रहे थे क्योंकि आपको बताने के लिए कि भाई किसी भी चीज से ठोका जा सकता है इसको। थोड़ा सा काउंटर गियर को अंदर ठोक लें क्योंकि बेरिंग बैठने में आसानी होगी। तो भाई ये लगभग हमारे बेरिंग फंस चुके हैं। ये देखिए ये बैठ गया है हमारा बेरिंग। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम लॉक है ना, ये छोटा सा लॉक आएगा ऊपर तो उसको लगाएंगे। इस तरीके से लॉक पेंचेस के मदद से इसको ऐसा लॉक कर ले है ना। ये बैठ गया लॉक और इसको चेक कर ले थोड़ा सा घुमा के, तो भाई बिल्कुल सही बैठ चुका है। अब इसके ऊपर जो आएगी प्लेट छोटी सी, तो पहले तो इसका जो पैकिंग है उसको अच्छे तरीके से एनाबोल लगा ले और इस तरीके से इसको रख ले। अब इसके ऊपर जो प्लेट है उसको रख ले और इस पे ये जो चार स्क्रू है हमारे इस तरीके से कस ले इसको, टाइट कसना, इसको जरा सा भी ढीला नहीं छोड़े। अब इसके साइड में ये हमारा जो गियर चेंजर है, तो भाई आपको इस साइड से अच्छा दिख रहा है या नहीं आपको पलटा के बताएंगे इस तरीके से। तो भाई ये जो हमारा है गियर चेंजर, जो गियर डिब्बी, इस गियर डिब्बी को हम एक पोजीशन मतलब इसका जो टॉप गियर में जो ऊपर का हमारा जो न्यूट्रल पोजीशन या फर्स्ट गियर सेकंड गियर थर्ड गियर ये जो सिस्टम है ये देखिए इसको एकदम टॉप पोजीशन में रखना है आपको, मतलब टॉप गियर में लगाना है इस चक्री को है ना। दिख रहा होगा ये देखिए इसको टॉप गियर में लगाना है आपको, एक बार समझा दे आपको। ये देखिए इस तरीके से ये टॉप गियर में है और इसके अंदर जो अंदर ये जो हमारा गियर चेंजर है इसको पूरा न्यूट्रल के पोजीशन में रखना है इस तरीके से, इसको बाहर खींच लेना और जो हमारे जो लॉक गुंडे आती है अंदर गियर डिब्बे में उसको अच्छी तरीके से फंसा ले इस तरीके से। देखिए इस खाचे में इसको बिठाना है, ये आपको भी समझ जाएगा भाई। इसमें तो दिख रहा होगा नहीं तो भाई कैमरा थोड़ा इधर ले लो यार, इस तरीके से इसको बिठा लेना है। अरे इधर कैमरा ले लो यार जरा, इस तरीके से बिठाना है इसको। तो भाई बिल्कुल ध्यान दे, ये जो हमारा गियर डिब्बी है इसको टॉप गियर में रखना है और जो अंदर का हमारा गियर चेंजर है उसको बिल्कुल न्यूट्रल के पोजीशन में रखना है आपको है ना। तो आशा करते हैं आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो इसको एलके से की मदद से अच्छी तरीके से कस ले। भाई हमारा गियर बॉक्स लगभग पूरा हो ही चुका है। तो हमारा जो गियर डिब्बी है एकदम कंप्लीट हो चुकी है। अब चेक करेंगे हम इसके गियर है ना। तो भाई सबसे पहले तो इसको इस जो हमारा रॉड है इसको घुमा ले थोड़ा है ना, इसको चेक कर ले भाई। थोड़ा कैमरा इधर घुमा लो यार इस साइड में है ना, इस तरीके से। सबसे पहले तो आप गियर चेक करेंगे इसको घुमा घुमा के, जो हमारा मेन शाफ्ट है उसको घुमाए थोड़ा थोड़ा और इसे गियर चेक करें। तो भाई बिल्कुल सही गियर लग रहे हैं इसको, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये देखिए सही तरीके से बिल्कुल काम कर रहा है गियर।
और गियर चेंजर, गियर डिब्बे। भाई इस गियर बॉक्स को खोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी कि भाई इसमें गियर डिब्बी टूट गई थी, इसमें गियर चेंजर भी फूट गया था और जो अंदर का स्टॉप गियर है वो भी फूट गया था, इसलिए इसको खोलना पड़ा था भाई। और अब हम बिठाएंगे हम जो हमारा हाउसिंग यानी कि जो हमारा क्राउन पिनियन होता है भाई, सब अलग अलग बोलते हैं, कोई क्राउन पिनियन बोलता है, कोई हाउसिंग बोलता है भाई, कोई मंदिर साइड बोलता है, मतलब हर किसी की बोलने के अलग अलग बोलने का तरीका है ना। तो भाई सबसे पहले तो ये बूझो उन पे ध्यान देना है आपको कि कोई बूझ खराब है तो आप बदल ले, क्योंकि भाई इस बूझ से ही आइडल गियर चलता है और आइडल गियर में जरा सा फॉल्ट आया, ऊपर नीचे हुआ तो गियर घिसने लग जाएंगे और टूट जाएंगे, बहुत ही जल्दी टूट जाएगा, रिवर्स गियर टूट जाएगा, उसके दांते टूट जाएंगे। तो दोनों तरफ जो हमारा आइडल गियर बैठता है उसमें दोनों तरफ हम नए बूझ डाल लिए हैं। तो भाई आप भी ध्यान रखें कि आइडल गियर को सेम एकदम अच्छी पोजीशन में चलाए और उसको नए बूझ डाल दे। भाई ये बूझ तो मात्र 20-30 रुपए में मिलेगा, इतने में आपका बहुत फायदा हो जाएगा, है ना। तो भाई अब इस पे हम एनाबोन लगा लेंगे पैकिंग पे और इसको अच्छी तरीके से पूरे दोनों तरफ से लगा लेंगे। तो भाई ये हमारा एनाबोन लग चुका है पूरा पैकिंग पे, अब इसको इस तरीके से हम लगा लेंगे। भाई आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई आपको समझ में आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने जो भी वीडियो देखे हैं दूसरे वो शायद इस तरीके से समझा पाए होंगे या नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, पर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो भाई एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको समझाने के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है। इस तरीके से इसको बिठा ले और थोड़ा सा हमारा जो काउंटर गियर उसको थोड़ा घुमा के देख ले और गियर में कर देगा, जो कोई सा भी गियर लगा दो आप, टॉप लगा दो, फस लगा दो और काउंटर गियर को थोड़ा घुमाते रहिएगा, है ना। तो ये फटाक से बैठ जाएगा जो हमारा हाउसिंग कवर है ये। तो भाई ये हमारा गियर बॉक्स पूरे तरीके से मतलब कंप्लीट हो चुका है। अब इस पे ये जो हमारे नट बोल्ट है इसको अच्छी तरीके से वाइशर रख के इसको कस लें। तो भाई ये जो प्रोसेस है ये पूरा एकदम आसान तरीके से बताया हमने और आशा करते हैं आपको बहुत समझ में आया होगा। तो भाई इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि भाई ये जो हमारा वीडियो है बहुत लंबा हो रहा है, तो इसलिए हमने इसका पार्ट दूसरा बनाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे।